माय यूट्यूब चैनल सर मोहम्मद इरेज खान, लेक्चर नंबर 51, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3, सेकेंड ईयर। चंद इम्पोर्टेंट टर्म्स इन डेरिवेटिव का फार्मूला है, डी अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी वाई, एक जैसे नंबर 1 के बराबर हैं, कॉन्स्टेंट नंबर 0 के बराबर है। अगर डेरिवेटिव अपॉन में आ जाए तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, पहले लेक्चरों में भी कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, एक्स इज इक्वल टू 2θ + 1, वाई इज इक्वल टू 2θ + 1 का क्यूब दिया हुआ है, फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करने के लिए सोल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू 2θ + 1 एंड वाई इज इक्वल टू 2θ + 1 का क्यूब दिया हुआ है। अच्छा, एक्स और वाई दो टर्म दिए हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ वाई भी है और एक्स भी है, एक्स की टर्म भी है, वाई की टर्म भी है। अच्छा, जो नंबर यहाँ दिया हुआ राइट साइड पे, एक्स की राइट साइड और वाई की राइट साइड पे, क्या दिया हुआ थीटा, थीटा दोनों थीटा दिए हुए, तो इसकी रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव करेंगे, यानी डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा। देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी अपॉन डी थीटा होगा, यानी डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा 2θ + 1 की पावर क्यूब। मजीद देख लेते हैं, कॉन्स्टेंट नंबर बाहर आएगा, डी अपॉन डी थीटा थीटा हो जाएगा, प्लस का प्लस डी अपॉन डी थीटा 1 के साथ डेरिवेटिव होगा। इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ जो डेरिवेटिव जो है डायरेक्टली लगा हुआ है यहाँ, लेकिन पावर लगी हुई है, जब भी पावर लगी होती है तो क्या बताया था, एकदम पावर के साथ डेरिवेटिव होता है एंड दूसरी वाली में विदाउट पावर। देखते हैं, टर्म देखेंगे 2 का 2 डी थीटा अपॉन डी थीटा, कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव, कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 के बराबर है, 0 आ गया। एन शुरू में देखें, एन शुरू में एन माइनस वन, 3 शुरू में 3 - 1, फिर विदाउट पावर, अब पावर नहीं है, देखें 2θ + 1 के ऊपर पावर नहीं होगी, इसको विदाउट पावर डेरिवेटिव करेंगे। 2 का 2 आ गया, डी थीटा अपॉन डी थीटा एक जैसे नंबर 1 के बराबर, 1 आ गया, +0 फिनिश। 3 का 3 2θ + 1 3 - 1 स्क्वायर, 2 कॉन्स्टेंट नंबर था बाहर निकाल दिया, डी अपॉन डी थीटा यहाँ थीटा आ गया। कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होगा नेक्स्ट बारी में देखते हैं, कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। देखिए यहाँ 2 सेम आ गया, 3 का 3 आ गया, 2θ + 1 का स्क्वायर आ गया, ये 2 का 2 हो गया, ये डी थीटा अपॉन डी थीटा हो जाएगा, कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। मजीद देख लेते हैं, ये टर्म सेम आई, डी थीटा अपॉन डी थीटा 1 के बराबर है, 2 × 1 = 2 कर देंगे, फाइनल टर्म हमारी आ रही है 2, 3 = 6, लास्ट में 2 और 3, ये देखें लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे करें तो क्या आंसर आएगा, 3 को 2 से करेंगे 6, 2θ + 1 स्क्वायर। अभी भी टर्म वो कंडीशन वो नहीं आ रही, देखें डी एक्स अपॉन डी थीटा आ रहा है एंड डी वाई अपॉन डी थीटा आ रहा है, तो अब हमें लानी क्या टर्म डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये टर्म हमारी अभी भी पूरी सॉल्व नहीं हो रही है। देखें अभी क्या लिख सकते, बोले फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई, वाई ऊपर होना चाहिए और एक्स नीचे, तो क्या करेंगे पहले वाई वाली टर्म डी वाई अपॉन डी थीटा लास्ट लाइन, लेकिन डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा 6 2θ + 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा की, बीच में डिवाइड है डिवाइड आ गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई 2। ये लाइन नहीं लिखनी है, ये बाय मिस्टेक आ गई है, करेक्शन कर लें, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे, डी थीटा ऊपर डी एक्स नीचे,
सिक्स का सिक्स टू थीटा प्लस वन का स्क्वायर, डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाद वाली टर्म अपोजिट हो जाती है। देखें यहाँ सिर्फ टू लिखा है, टू के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है वन होता है, वन ऊपर आ जाएगा, ऊपर का वन शो करते हैं, नीचे का वन शो नहीं करते और टू अपॉन में चले जाएगा। मजीद देखते हैं, देखें डी थीटा कैंसिल ऊपर नीचे, डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म बनेगी। एंड देन लास्ट लाइन मजीद देख लें आप, जूम करके दिखा देता हूँ मैं, टू वन का टू, टू थ्री का सिक्स, ये हमारे पास लाइ ये थ्री आ गया, टू थीटा प्लस वन स्क्वायर आ गया। इंटरसेम्बल नंबर एट थी हमारी, इंटरसेम्बल नंबर नाइन हमारे पास आ गई है, देखते हैं नाइन को, नाइन में क्या पूछ रहे हैं, एक्स इजिकल टू ए टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस टी एंड वाई इजिकल टू बी टी क्यूब अपॉन थ्री माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स अपॉन डी टी, देखिए ए कॉन्स्टेंट नंबर है भाई, बाकी टर्म के साथ डेरिवेटिव, यहाँ बी कॉन्स्टेंट नंबर है भाई, बाकी टर्म के साथ डेरिवेटिव आएगा, ए का ए आ गया, डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर अपॉन टू का डेरिवेटिव, माइनस का माइनस डी अपॉन डी टी, ये हमारे पास टी आ गया। एंड देन डी वाई अपॉन डी टी, बी का भी ये डी अपॉन डी टी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस के बाद इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो मजीद देख लेते हैं हम, ए कॉन्स्टेंट नंबर है, टी स्क्वायर टू टी टू माइनस वन, टू का टू नीचे, माइनस का माइनस डी टी अपॉन डी टी वन के बराबर है, बी का बी आ गया, थ्री शुरू में थ्री माइनस वन, थ्री का थ्री आ गया, टी स्क्वायर टू शुरू में टू माइनस वन अपॉन का टू आ गया हमारे पास। और मजीद देखते हैं भाई, ए का ए आ गया, टू से टू कैंसिल रहेगा, टी टू माइनस वन टी आ गया माइनस का वन, बी का बी आ गया, टी स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस का माइनस, टू से टू कैंसिल, टी टू माइनस वन वन आ गया। और मजीद देख लेते हैं, देखें डी वाई अपॉन डी टी मजीद सॉल्व करते हैं, थ्री से थ्री कैंसिल, टी स्क्वायर माइनस का माइनस, टू से टू कैंसिल, टी बचा, डी वाई अपॉन पहले हमेशा क्या आता है वाई लिखा हुआ, तो डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई की वैल्यू क्या है, बी टी स्क्वायर माइनस टी डिवाइड ए टी माइनस वन। मजीद देखते हैं, जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई का करेंगे तो ये लास्ट वाली जो भी नंबर्स हैं, ये देखिए डी एक्स अपॉन डी टी ऊपर नीचे चेंज करेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन ऊपर ए टी माइनस वन नीचे। और मजीद सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को ताकि हमारी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, बी डी स्क्वायर माइनस टी एंड ए टी माइनस वन। मजीद देखते हैं, ऊपर से मैंने टी कॉमन निकाला जो डी दोनों में था, इसलिए मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये बचा डी माइनस वन, और टी माइनस वन और टी माइनस वन अपॉन में एक जैसे नंबर ही कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए टी। थैंक यू वेरी मच। इस अपने के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरेश खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।